पढ़ा रहे हैं अध्याय चौथा। अध्याय चौथा में हेडिंग है उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नजदारी व्यवस्था में अंतर। हेडिंग क्या है? उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नजदारी व्यवस्था में अंतर। डिफरेंट क्या है? एग्जाम में आएगा उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नजदारी व्यवस्था में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो आपको ध्यान देना है कैसे लिखेंगे, क्या बोलता है क्वेश्चंस, यानी उत्तर भारत दक्षिण भारत के किनसी व्यवस्था में, सिस्टम में। व्यवस्था क्या होता है? सिस्टम। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नजदारी व्यवस्था में अंतर, डिफरेंट के बारे पढ़ा रहे हैं आज। समझ गए? और नहीं समझे तो बताइए, हमको फोन कीजिए। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नजदारी व्यवस्था में अंतर। अब अंतर क्या है आगे देखिए। देखिए इसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों की नजदारी व्यवस्था एक दूसरे से अलग अलग है। क्या है? भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। सबको जानता है कि अलग अलग है, एक तरह का नहीं है। नजदारी की किनसिप की विविधता में उत्तर और दक्षिण भारत, उत्तर और दक्षिण भारत की नजदारी व्यवस्था अधिक महत्वपूर्ण है। उत्तर और दक्षिण भारत की नजदारी व्यवस्था अधिक महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। बात समझ रहे हैं? इन दोनों नजदारी व्यवस्थाओं में कुछ प्रमुख अंतर पाया जाता है जो निम्न प्रकार है। एग्जाम में लिखिएगा जो निम्न प्रकार है, जो इस प्रकार है। पहला क्या है? नजदारी समूह संबंधी भिन्नताएं। उत्तरी क्षेत्र में अधिकांश पितृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। ये परिवार पितृवंशी एवं मातृवंश पितृस्थानीय भी होते हैं। ये परिवार पितृवंशी और पितृस्थानीय होते हैं, समझने की बात है। एक व्यक्ति वही विवाह समूह की संख्या लगभग नगण्य होती है। दूसरा पॉइंट है विवाह नियमों संबंधी भिन्नताएं। विवाह संबंधी नियमों भिन्नताएं, विवाह में भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग विवाह की परंपरा है। विवाह के नियमों को लेकर भी उत्तर दक्षिण भारत में भिन्नता पाई जाती है। आप गौर कीजिए, मरीज को लेके हम बता रहे हैं, मरीज को लेके उत्तर दक्षिण भारत में क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है, डिफरेंट पाया जाता है। इस प्रकार साहेब, इस प्रकार सहोदर, इस प्रकार सहोदर राज अर्थात ममेरे सहोदर भाई अर्थात ममेरे या फुफेरे भाई बहन के बीच विवाह की स्वीकृति नहीं है। इस क्षेत्र में कन्या विनिमय द्वारा विवाह भी नहीं किए जाते हैं। गांव से बाहर विवाह का ही आमतौर से प्रचलन है। गांव के बाहर विवाह करने का प्रचलन है, गांव में नहीं, गांव के बाहर विवाह करने का प्रचलन है। इस बात को भी अधिक मान्यता दी जाती है कि प्रायः विवाह परिचित परिवारों के बीच ही किया जाए। अब विवाह तो परिचित परिवार में ही किया जाना चाहिए, हमारा भी विचार है। जिसको जानते हैं, समझते हैं, उसको उसकी वहां विवाह प्रचलन संबंध करना चाहिए, है ना? तो परिवारों के बीच ही किया जाता है। ऐसे परिवारों के बीच विवाहों की पुनः पुनरावृत्ति पाए होती रहती है। दक्षिण क्षेत्र में स्वपिंड विवाह निषिद्ध लागू नहीं है। यहाँ चाचा भतीजी विवाह अधिमान्यता आदि की श्रेणी में है। इसी भ्रांति ममेरे फुफेरे भाई बहन के बीच विवाह की भी अच्छा माना जाता है। दो परिवार परस्पर कन्या विनिमय द्वारा भी विवाह कर सकते हैं। दक्षिण में अपरिचित परिसर में विवाह का चलन अधिक है। एक गांव के भीतर ही विवाह का कोई आपत्ति नहीं है, एक गांव के भीतर कोई विवाह करने के लिए आपत्ति नहीं है। तीसरा पॉइंट आइए, उत्तराधिकार नियमों में भिन्नताएं। उत्तराधिकार नियमों में भिन्नताएं, डिफरेंट क्या है समझिए। उत्तरी क्षेत्र के उत्तराधिकार का नियमिक रैखिक है। पितृवंशीय होने के कारण पिता से ज्येष्ठ पुत्र को पुत्र से उसके ज्येष्ठ पुत्र की ओर इसी तरह आगे भी उत्तराधिकार माना जाता है। दूसरी ओर दक्षिण भारत, उत्तरी दक्षिण भारत में पितृवंशीय समुदाय एवं मातृवंशीय समुदाय दोनों हैं। इसीलिए उत्तराधिकार के नियम भी इन दोनों नजदारी व्यवस्थाओं में अलग अलग है। पितृवंशीय नजदारी समूह में उत्तराधिकार पीढ़ी दर पीढ़ी होते आ रहा है, उसको हमको अधिक मान्यता देने की परंपरा है। उत्तराधिकार कार्यक्रम के अनुसार
के अनुसार ही अर्थात यहाँ उपयुक्त उत्तराधिकारियों में जो आयु में बड़ा है उसको उत्तराधिकार मिलेगा, जैसे पुरुष से उसके छोटे भाई भाई को या बहन के पुत्र को जो आयु में बड़ा हो उसे उत्तराधिकारी माना जाता है। चौथा में आइए, नातेदारी व्यवहार बिहेवियर समझते हैं व्यवहार, नातेदारी व्यवहार संबंधी भिन्नताएँ यानी क्षेत्र में पुत्री तथा पुत्र वधु के लिए व्यवहार करने की मानदंड अलग अलग होते हैं। इस प्रकार से पुत्र को ससुराल में खाने व उसके यहाँ से कोई उपहार लेने पर प्रतिबंध है। पुत्र वधु के यहाँ से कोई भी उपहार लेने पर क्या है, प्रतिबंध है, हम नहीं ले सकते हैं। साधारणतया माता पिता पुत्री के प्रति गृह पर नहीं जाते हैं और जहाँ पर हम बेटी का मरीज करते हैं वहाँ पानी भी नहीं पीते हैं, वहाँ से कुछ नहीं लेते हैं, क्योंकि बेटी दी हुई है, ये परंपरा है हमारे दक्षिण भारत में, हम बेटी दिए हैं तो वहाँ पानी नहीं पियेंगे, खाना नहीं खाएंगे, है ना, क्योंकि हम बेटी दिए हैं, बेटी दान की, हम पानी नहीं पी सकते हैं वहाँ पर, बात समझे। धरंतया माता पिता पुत्री के प्रति गिरी पर नहीं जाते हैं। दक्षिणी क्षेत्र में पुत्री तथा पुत्र वधु के लिए एक ही आचार आधार है, सहिता है। यहाँ पुत्री की ससुराल में माता पिता के जाने खाने या कुछ लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। देखिए उत्तरी भारत में ये प्रतिबंध उल्टा है, दक्षिण भारत में ये प्रतिबंध है कि हम बेटी दिए हैं तो बेटी के यहाँ नहीं जा सकते हैं, और उत्तरी भारत में देखिए हम जाते हैं, खाते हैं, रहते हैं, ये हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ ही परंपरा है कि बहुत कोई में अगर हम बेटी कहीं पर दिए हैं तो उस घर में हम पानी नहीं पी सकते हैं, रह नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, कुछ ले नहीं सकते हैं, ये परंपरा है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तरी और दक्षिण भारत में बहुत डिफरेंट पाया जाता है, क्या पाया जाता है, डिफरेंट पाया जाता है ना। अब आगे देखिए, यानी पांचवा पॉइंट है नातेदारी शब्दावली संबंधी भिन्नताएं, नातेदारी शब्दावली संबंधी भिन्नताएं। उत्तरी क्षेत्र में रक्त संबंधी एवं विवाह संबंधियों के लिए अलग अलग संबोधन शब्द है। इसी प्रकार से पीढ़ी क्रम आधार पर भी नातेदारी को शब्दावली अलग अलग है। एक पीढ़ी के लिए प्रयोग किया जाने वाला संबोधन दूसरी पीढ़ी के नातेदार के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। दक्षिणी क्षेत्र में रक्त संबंधियों और विवाह संबंधियों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है। इसी प्रकार यहाँ आयु क्रम पर आधारित शब्दावली पाई जाती है। उदाहरण के लिए जिस व्यक्ति को नातेदारी शब्दावली हम जानना चाहे तो उसे केंद्र में रखकर उन्हें अपने नातेदारी की दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, एक वे जो आयु में सबसे बड़े हैं, दूसरे जो आयु में सबसे छोटी हैं। आयु में बड़े नातेदारों का अधिक प्रचलन होता है, आयु में बड़ा और छोटा हमारे यहाँ देखा जाता है, बात समझ रहे हैं, आयु में बड़ा और छोटा देखा जाता है, दूसरे थे आयु में होते हैं। आयु में बड़े नातेदारों को व्यक्त करने वाला एक शब्द होगा जो आयु में छोटों के लिए दूसरा बिना इस बात को परवाह किए कि पीढ़ी में बड़े हैं या छोटे हैं को इसमें मान्यता दी जाती है। तो हमारे यहाँ परंपरा अलग अलग है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तरी भारत दक्षिणी भारत की जो विविधता है अलग अलग हमें देखने की मिलती है, अलग अलग पाया जाता है, समझ रहे हैं, अलग अलग भिन्नता पाई जाती है। बस आज इतना ही।